हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। रुई लोपेज की ओपनिंग की ट्रैप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस। मैंने बहुत सारे ट्रैप्स आपको दिखा दिए, आई थिंक 40 जितने ट्रैप्स तो खत्म हो चुके हैं। तो पहले वाले सारे वीडियो मैंने एक सीरीज ही बनाई है, वन बाय वन सारे रुई लोपेज के ओपनिंग ट्रैप्स। अब आपको तैयारी कैसे करनी है, जब आप गेम कोई भी ओपनिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सारे ट्रैप आपको एक डायरी में लिखने हैं। अगर आप व्हाइट से खेलना चाहते हो तो व्हाइट की ओर से जितने भी ट्रैप से आप अलग कर लीजिए और उसी के मूव्स नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप ब्लैक से तैयारी करना चाहते हो तो ब्लैक के सारे ट्रैप्स है वीडियो में, आपको ढूंढ के ब्लैक के सारे ट्रैप्स अलग करने हैं और फिर आप अपनी एक प्रॉपर परफेक्ट ओपनिंग तैयार कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस ट्रैप में A6 वाले वेरिएशन। E4 ओके, E4 E5 नाइट F3 NC6 BB5 A6 इतने हमारे कॉमन मूव है। बिशप A4, उसके बाद ब्लैक रिप्लाई देता है B5। ध्यान से देखिए किस में B5 आता है, किस में D6 आता है, सब में अलग अलग मूव होंगे। बिशप B3 कॉमन होगा यहाँ पे और उसके बाद बिशप B7 पहली ट्रैप है BB7 वेरिएशन में। यहाँ पे आपको D5 नाइट इंटू D4, दोस्तों ये नाइट इंटू D4 में ब्लैक को एक पॉन मिल रहा है, मतलब ब्लैक चाहता है कि उसे एक पॉन मिल जाए। जैसे कि नाइट इंटू D4 अगर व्हाइट करता है, एक्चुअली में ये गेम में व्हाइट जीत सकता है दोनों की ओर से। अगर व्हाइट नाइट इंटू D4 करता है तो यहाँ पे ब्लैक प्लस हो जाएगा, जिसके पॉन टेक्स नाइट, क्वीन टेक्स D4, उसके बाद C5, क्वीन के पास एक ही ऑप्शन है चेक, उसके बाद क्वीन E7, आफ्टर क्वीन टेक्स E7 नाइट टेक्स E7 और उसके बाद C3। देखो C3 जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट मूव में C4 से व्हाइट बिशप ट्रैप हो रहा है, तो ये बिशप बचाने के लिए जगह करनी जरूरी है। और जगह करने के बाद सिंपल बिशप टेक्स E4 और ये गेम ब्लैक की फेवर में हो जाएगी। सिंपल इजीली सेंटर पॉन मिल जाता है और विद द ट्रेट ऑफ बिशप इंटू G2। लेकिन यहां पे व्हाइट का बेस्ट रिप्लाई है, एक्चुअली में ये ब्लैक ट्रैप करना चाहता है, लेकिन अगर आप व्हाइट से खेलना चाहते हो तो यहां पे आपके पास भी मैं मूव बताऊंगा। बेस्ट चॉइस है बिशप टेक्स F7 सैक्रिफाइस, चेक के बाद किंग इंटू F7, देन नाइट टेक्स E4 चेक, किंग E8 और क्वीन इंटू D4। अब देखो पहले जो मूव में व्हाइट ने मिस्टेक की तो उसमें ब्लैक पॉन अप हो गया और ब्लैक, अगर व्हाइट ने सही आंसर दिया तो ब्लैक ट्रैप हो गया। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं, E4 E5 NF3 NC6 BB5 A6 बिशप A4 और यहां पे हम देखेंगे D6 वाला वेरिएशन। सिंपल ब्लैक चाहता है कि मैं कोई भी ट्रैप में नहीं फंसू, आसानी से गेम खेलूंगा। यहां पे व्हाइट को खेलना है D4, पॉन टेक्स पॉन में क्या प्रॉब्लम होता है, अगर ब्लैक पॉन टेक्स पॉन करता है तो नाइट इंटू D4, उसके बाद नाइट पे प्रेशर बढ़ता है। कई बार ब्लैक यहां पे B5 करके बिशप पे अटैक करता है, बिशप B3, देन नाइट इंटू D4। नाइट इंटू D4 में यहां भी एक ट्रैप है, ये भी ब्लैक की ओर से, मतलब ब्लैक इसमें प्लस होगा नाइट टेक्स D4, पॉन टेक्स D4। अगर ब्लैक ने व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन टेक्स पॉन किया तो यहाँ पे ब्लैक सिंपल पीसअप हो जाएगा, बिशप ट्रैप हो रहा है C5। अब क्वीन के पास ओनली ऑप्शन है क्वीन विथ डबल अटैक ऑन रूक एंड चेकमेट की थ्रेट, लेकिन बिशप E6 के बाद क्वीन के पास कोई स्कोप नहीं है बचने का। अगर क्वीन H5 जाता है तो यहाँ पे C4 के बाद ब्लैक पीसअप होगा, अगर ब्लैक व्हाइट ने चेक दिया तो बिशप D7 के बाद वापस से क्वीन के पास एक ही ऑप्शन है क्वीन E5, क्वीन D5 के बाद C4 और यहाँ भी सिंपल बिशप ट्रैप हो रहा है। तो ये थी दूसरी ट्रैप जहां पे व्हाइट का पीस लॉस हो रहा है। थर्ड ट्रैप देखते हैं दोस्तों, सभी वीडियो में आपको अलग अलग ट्रैप्स मिलेंगी, कोई भी ट्रैप आपको सेम नहीं नजर आएगी, ध्यान रखना, इसीलिए ध्यान से नोट डाउन करना जरूरी है। E4 E5 नाइट F3 NC6 BB5 A6 बिशप A4 देन D6 B5 के बदले
हम यहां भी डी सिक्स वाला वेरिएशन देख रहे हैं। तो डी सिक्स के बाद डी फोर, हाँ सॉरी, यहां पर मैं बताऊंगा आपको व्हाइट से सी थ्री, सी थ्री में ब्लैक रिप्लाई देगा एफ फाइव, और यहां पे डी फोर आफ्टर पॉन टेक्स पॉन नाइट जी फाइव बी फाइव बिशप बी थ्री और डी फाइव। डी फाइव जरूरी है क्योंकि बिशप यहां पे एफ सेवन पे अटैक कर रहा है, तो नाइट फोर की थ्रेट भी है। तो बी फाइव के रिप्लाई में यहां पे आपको देना है बिशप पॉन टेक्स पॉन, और अगर ब्लैक ने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मान लो कि नाइट से इस पॉन को प्रोटेक्शन दिया डी फाइव को एन सी ई सेवन, तो यहाँ सिंपल व्हाइट टू प्ले एंड विन है नाइट इन टू ई फोर सेक्रीफाइस आफ्टर पॉन टेक्स नाइट बिशप एफ सेवन एंड क्वीन टेक्स क्वीन, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्वीन मिल जाएगी। चलिए ट्रैप नंबर फोर, ट्रैप नंबर फोर में अर्ली एफ फाइव मीन्स के फोर्थ मूव में बिशप ए फोर के बाद एफ फाइव, व्हाइट खेलता बिशप ए फोर और ब्लैक यहां पे एफ फाइव, तो एफ फाइव के रिप्ले में बिशप इंटू सिक्स डी इंटू सिक्स सिक्स पॉन नाइट इंटू पॉन क्वीन डी फोर। ये डबल अटैक वाला थ्रेट बहुत ही फेमस है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसमें भी ब्लैक गेम जीत रहा है, जैसे कि क्वीन चेक जी सिक्स देन नाइट इंटू जी सिक्स। अब ये डिस्कवर्ड चेक की थ्रेड भी है, पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है क्योंकि रुक पिन है, तो यहाँ पे क्वीन ब्लैक रिप्लाई देगा एन एफ सिक्स। अब क्वीन एच फोर ओनली ऑप्शन है, और उसके बाद अगर नाइट जी फोर, और अगर इस पोजिशन में ब्लैक खेलेगा नाइट जी फोर, अगर व्हाइट ने रिप्लाई दिया यहाँ पे नाइट इंटू एच एट, तो यहाँ पे ब्लैक विनिंग। कैसे विनिंग है? क्वीन चेक किंग गोज एनीवेयर, मतलब दो स्क्वायर है, या तो डी वन या एफ वन, कहीं भी जाता है। नाइट ए थ्री चेक से, डिस्कवर चेक से आपको क्वीन मिल जाएगी, पॉन टेक्स और सिंपल विन। चलिए नेक्स्ट थ्रेड देखते हैं, ई फोर ई फाइव एन एफ थ्री एन सी सिक्स बी बी फाइव ए सिक्स देन बिशप ए फोर, और यहाँ पे हम खेलेंगे नाइट एफ सिक्स वाली गेम में क्या होता है। नाइट एफ सिक्स में क्वीन ई टू, अब ये अलग अलग मूव दोस्तों ट्रैप में लोग कैसे फंसते हैं, कौन सी मूव में गलती करते हैं, यही आपको ढूंढना होता है। क्वीन ई टू में ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप सी फाइव सी थ्री, आइडिया डी फोर का है सेंटर कंट्रोल, लेकिन यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा बी फाइव बिशप सी टू, उसके बाद अगर ब्लैक ने डी फाइव किया यहाँ पे व्हाइट के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन हो जाएगी, ई टेक्स डी फाइव। अब यहाँ पे ई फोर जो ई फाइव वाला पॉन है बचाने के लिए क्वीन टेक्स डी फाइव फोर्स मूव है, और उसके बाद डी फोर पिनिंग द पॉन बिशप डी सिक्स और बिशप टू बी थ्री। क्वीन के पास एक ही जगह है बचने के लिए, क्वीन ई फोर, क्वीन टेक्स ई फोर नाइट टेक्स ई फोर, और उसके बाद बिशप डी फाइव डबल अटैक के साथ यहां पे व्हाइट को पीस मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रैप देखते हैं, सॉरी ई फोर ई फाइव, और इतनी पोजीशन तो आपको दिखने ही वाली है हर एक मूव में रुय लोपेज में। यहां पे नाइट एफ सिक्स वाली ट्रैप है, नाइट एफ सिक्स एन सी थ्री, व्हाइट एन सी थ्री खेलता है, ब्लैक रिप्लाई देता है डी सिक्स, डी फोर सेंटर कंट्रोल के लिए, ब्लैक रिप्लाई देता है बी फाइव काउंटर अटैक आफ्टर बिशप बी थ्री, ई इंटू डी फोर नाइट इंटू डी फोर। यहां पे व्हाइट की मिस्टेक है, कैसे मिस्टेक है? आफ्टर नाइट इंटू डी फोर क्वीन इंटू डी फोर और सी फाइव, अगर क्वीन कहीं भी जाती है, मान लो कि क्वीन डी वन गया, तो सी फोर और व्हाइट का बिशप ट्रैप हो रहा है। तो दोस्तों शुरुआत में ट्रैप करने के लिए इतने सारे मूव्स हैं, इसके बाद के वीडियो में मैं और भी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ट्रैप्स बाकी है, इसीलिए और भी दो वीडियो आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें
और इसके बाद जो मेरा चैप्टर है रुई लोपेज खत्म होने के बाद मैं आपको मार्शल अटैक के बारे में बताऊंगा। इसी ओपनिंग में एक जबरदस्त ब्लैक की ओपनिंग है जो बहुत ही पुराने जमाने में फेमस थी, मार्शल अटैक, और वो ब्लैक की ओर से है। तो अगर कोई ब्लैक प्लेयर e4 e5 लाइन खेल के अच्छा स्ट्रॉन्ग अटैकिंग खेलना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट चॉइस है मार्शल अटैक। में आपको रुई लोपेज खत्म होने के बाद बताऊंगा। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि सभी ओपनिंग आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय गुजरात।